खरगोन शहर में शनिवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। ढील अवधि में डिप्टी कलेक्टर ओम नारायण सिंह के नेतृत्व में खाद्य एवं नापतोल विभाग के संयुक्त अमले ने खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। अमले ने दूध डेयरी, मिठाई दुकान, टोस्ट बेकरी आदि पर पहुंचकर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। डिप्टी कलेक्टर नारायण सिंह ने बताया कि त्यौहार पर ग्राहकों को शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री मिले और मिलावट खोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से जांच की जा रही है। कार्यवाही के दौरान घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग होता पाए जाने पर सिलेंडर जब्त किए जाएंगे। सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुई कार्यवाही दोपहर तक जारी रही। इस दौरान दूध डेयरी, मिठाई दुकान, टोस्ट बेकरी, नमकीन दुकानों पर पहुंचकर बिक्री की जा रही सामग्री का सैंपल लिया गया। डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि सैंपलों को जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने पर आगामी कार्यवाही होगी। कार्यवाही के दौरान खाद्य विक्रेताओं में हड़कंप की स्थिति भी नजर आई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। किस तरीके की कार्रवाई हो रही है सर? ये FCCI ये जो ऊपर से निर्देश मिले और कलेक्टर एस पी महोदय के निर्देश हैं कि थोड़ा सा व्यवस्था साफ सुथरी खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध हो और कोई दिक्कत वाली किसी जनता आम जनता को नहीं हो, इसी को दृष्टि रखते हुए सामान्य रूटीन चेकअप चल रहा है। सर कितने दुकानों पर अभी तक सैंपल लिए? काफ़ी हुआ, जैसे कल हमने युवराज होटल था एक और कोई डेयरी जैसे है, डेयरी है, बेकरी है, ऐसे चल रहा है, रूटीन वर्क है। शुरुआती जांच में कुछ अमानक चीज़ें पाई गई? अभी वो लैब बताएगी हमको, तो प्राइमरी फेस में हम उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप लोग कोई चीज़ बता दोगे तो हम उसको कर लेंगे, जनता बताएगी तो हम उसको ध्यान देंगे, बाकी तो ये टेक्निकल चीज़ है तो वो पता लग जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।